आज मैं लेके आई हूँ तवा पुलाव की रेसिपी। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है। इसके साथ आपको ना दाल बनाने की ज़रूरत है, ना सब्जी बनाने की ज़रूरत है। ये अपने आप में ही एक कंप्लीट मील है, बहुत ही चटपटा और टेस्टी डिश है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। जीरा डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल दिया। अब इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, बारीक कटा हुआ प्याज। इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। दो हरी मिर्च डाल दी मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 2 चम्मच डाला मैंने, 2 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गया है। 3 मीडियम साइज के टमाटर डाल दूंगी मैं इसमें। अब टमाटर को थोड़ा सा पका लेंगे। आलू मैंने 3 छोटे आलू लिए हैं, आप इसमें उबले हुए आलू भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही काट के डाला है, कच्चे आलू डाले हैं। छोटे साइज़ के 3 आलू लिए मैंने। नमक डाल दूंगी मैं आलू पकने के लिए। आप उबले आलू डालेंगे तो आप बाद में डालें, जब मसाला अच्छे से भुन जाए उसके बाद आप आलू डालें। इसको ढक के आलू पका लेंगे। मटर डाल दूंगी मैं इसमें। अब आधा कप मटर लिया है मैंने। आलू मेरे अभी अच्छे से पका नहीं है, मसाला डालने के बाद मैं और पकाऊंगी आलू को। मसाला डाल देते हैं। 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, पाव भाजी मसाला 2 बड़े चम्मच डाले हैं। आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है कोई सब्जी, तो आप सिर्फ प्याज डाल के भी बना सकते हैं, प्याज हरी मिर्च डाल के भी बना सकते हैं, बचे हुए चावल से भी बना सकते हैं आप ये रेसिपी। आलू पक गया है। नमक डाल दूंगी मैं इसमें, नमक चावल के हिसाब से डालूंगी। चावल डाल देते हैं। नमक मैं हमेशा मसाले में ही डाल देती हूँ, चावल के ऊपर से नहीं डालती। ऐसे क्या होता है कि अच्छे से चावल में मिक्स हो जाता है। अब चावल के ऊपर हम अगर डाल देते हैं नमक, तो फिर वो चावल में कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नमक हो जाता है। मसाले में डाल के अगर हम नमक डाल देते हैं मसाले पे, तो वो पूरे चावल पे अच्छे से मिक्स हो जाता है। तवा पुलाव बन के तैयार है, एक बार आप लोग भी ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। देखिए कितना बढ़िया बना है, एक बार आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरा धनिया डाल देंगे, तवा पुलाव बन के तैयार है, आप लोग भी ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी चटपटा बनता है। और आप इसको रायते के साथ, थोड़े से सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है रेसिपी।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आगे की मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।